नमस्कार, मैं कृति थी हापुड़ हलचल के साथ। गांवों में निरंतर काम चल रहा है, पर लोग परेशान हैं। ऐसा क्यों? खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर से, जहां आज भी दलित बस्ती में पानी भरने से लोग परेशान हैं। मोहल्ले की सड़कें किसी तालाब से कम नजर नहीं आती। ये समस्या एक हफ्ते या एक महीने से नहीं, कई सालों से ऐसी की ऐसी बनी हुई है। प्रधान से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी भरे हुए पानी की निकासी का मसला हल नहीं हो रहा है। मेरा नाम रघुवीर सिंह जाटव, ग्राम रसूलपुर। क्या मामला है पानी का? ये समस्या सर कई सालों से चली आ रही है। जो भी प्रधान बनता है वे ये कहता है कि सर मैं आपके पानी का समाधान करा दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने भी जो भी नाली बनी है वो बड़े तालाब से नहीं जोड़ी जी। और ये पानी करीब जो है एक हफ्ते से भरा हुआ है। लोगों के घरों में जो है कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं और महामारी फैलने की आशंका है। तो अभी हमने पिछले महीने में जो है कौन सी डेट में सीढ़े साहब के पास गए है भाई कुछ आपका? सरोज देवी। ये जो पानी की समस्या है कौन से गांव की समस्या है? रसूलपुर। क्या समस्या है? देखो क्या है, मकान गिरने वाले हैं, सड़क टूट गई है। सड़क टूटने पर मकान नहीं गिर सकता क्या? ये सांप दिन रात इतने आ रहे हैं, जो दस दस छह छह सात सात रोज डेली मारे जा रहे हैं। यहाँ रात को कैसे निकले यहाँ के लिए? कब से है समस्या? इसलिए कई महीने हो गए बिल्कुल। पानी भरते पानी निकलवाते बार बार पानी निकलवाते, तीन दिन बाद फिर ऐसी भर जा। तो शिकायत करी आपने, इसमें क्या कहते हैं? शिकायत में कितनी बार कर चुके, कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके। क्या आश्वासन मिलता आपको? कुछ नहीं मिला अभी तक। पानी निकलवा दें फिर भी हुआ है। हमें चाहिए तालाब खुदी भी। प्रधान का क्या कहना? प्रधान ना जी, कोई किसी काम का भी कोई सा भी हो जाएगा, प्रधान को वोट जब दी जाएगी जब हमारा तालाब खुद जाएगा। मैम रसूलपुर गाँव में जाँच कमेटी आई है, किस मामले को लेकर आई है, क्या है पूरा मामला? तालाब है जिसमें पानी भर रहा था, लोगों के घरों में जा रहा था। उसकी कंप्लेंट गांव वालों ने की थी, तो उसी के निस्तारण के लिए आज राजस्व टीम और विकास विभाग से सभी लोग मौके पे आए, जिससे कि समस्या का निस्तारण आज किया जा सके। मैम अभी पीछे मोहल्ले में एक में पानी भर रहा है और लोगों का आरोप है, जो ग्रामीणों का आरोप है, ये है कि प्रधान द्वारा या वो लगाया था डोली लगा के और पानी भराया गया, क्या है उसमें पूरा मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चूँकि तालाब के किनारे किनारे लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से तालाब के पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, उस वजह से वो भर रहा है। उसी को क्या नाम आपको खुदाई करा के आपने शिकायत की है? क्या मामला है और क्या आज जांच कमेटी टीम आई है, क्या है पूरा मामला? शिकायत नुकरिया हमारे गांव में साल भर से पानी भर रहा है, निकल रहा भर रहा है, ऐसा है ना। जोड़ है नहीं जी, जोड़ पे जो दो आदमी के खेत हैं जी, और वहाँ पे चार पांच इंचे की जोड़ है, जो बड़ा तालाब है वो उसमें जान नहीं दे रहे जी। एक सरदार जी का वो यहाँ आकर लड़के से मुझसे बदतमीजी करता, और सेक्रेटरी काना को कराए है, कल भी बदतमीजी कर गए हैं यहाँ पे। कौन कर गए बदतमीजी? काना को कानूनगो और सेक्रेटरी कह दी, उन्होंने कह दी ले रहोगे तुम पानी में, कानून को कह रहे थे या लग चले जाओ लखनऊ जी। ऐसा तो क्या मामला है, मतलब ये पानी किस लिए निकासी ना होना क्या कारण है? पानी के तालाब के उस तालाब तक के जी, इस तालाब में पानी नहीं है जी। ये रोका किसने लगाया जो यहाँ पर लग रहा है रोका? ये रोका लगाया हो प्रधान जी का, प्रधान जी ने पानी इसमें भर दिया ना जी। जो भरता रहा झोड़ नहीं है यहाँ पे जी। हम लोग कह रहे हैं मन की तालाब हमें उनका नाले तैयार करवा दो जी, पानी उनका पहुँच जाएगा। आइए प्रधान जी ने आगे जाके सड़क और उठा दी ऊपर को। तो प्रधान जी ने सड़क उठा दी, पानी भीतर ही भर रहा आपका? हाँ जी। तो इसमें छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो बीमारी भी क्या यहाँ क्या पे जो बालकों का पट्टी हो रही है, फुंसी फोड़े निकल रहे हैं, एक औरत मर गई और एक आदमी के हाथ में टूट के चोट लग गई गिर के। हाँ ये हाल है जी, छोटे छोटे बालकों का फुंसी फोड़े निकल रहे हैं, पट्टी हो रही है, एक बुढ़िया है बीवी गिर गई यहाँ पे हमारे पड़ोस में जी। तो क्यों प्रधान से शिकायत करी थी आपने पानी भर रहा, क्या कहते हैं वो? प्रधान से शिकायत नहीं करते, प्रधान से कहता है मैंने कि निकालवा देंगे फिर ऐसी हो जाए, निकलवा देंगे फिर ऐसी हो जाएगा। तो ये पानी भर रहा है, ये निकलते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो क्या कहना आपका, मतलब ये होना चाहिए क्या होना चाहिए? पानी भर रहा है, हमारे कहने का मतलब है इस तालाब का जो पानी है उस तालाब में जाना चाहिए। रिपोर्ट कई पहुँची पड़ी है ऊपर तक। इसके बाद हाल फिलहाल में ही ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से शिकायत पत्र देकर अर्जी लगाई थी, जिसके चलते आज एसडीएम सदर सहित संबंधित अधिकारी व थाना बाबूगढ़ कोतवाल सोमवीर सिंह मौके पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्या सुनकर गंदे पानी की निकासी की समस्या के समाधान में जुट गए।
एसडीएम सदर में तहसीलदार द्वारा पानी के तालाब को गहरा व चौड़ा करने के लिए नापतोल करते हुए समस्या का समाधान करने का दावा तो कर दिया गया है, लेकिन इस समस्या का अंत कब होगा वो तो समय ही बता पाएगा। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जी धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, यहाँ आज जांच कमेटी टीम आई है, किस मामले को लेकर आई है, क्या है पूरा मामला? ये तालाब में पानी भराव के लिए। जी, तो क्या है मतलब पूरा मामला, पानी तालाब में क्या है? तालाब तो कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रहा है जी, उस वजह से ही पानी में वो हो रहा है, और कुछ लोग इसमें जो है जल ज़्यादा बहा रहे हैं जी। तो जैसे पानी की निकासी नहीं है, तालाब में जगह भी नहीं है, तो ये अतिक्रमण कितनी भूमि है ये जो इन्होंने कर रखा है अतिक्रमण इस पर? नहीं, ये तो राजस्व या लेखपाल बताएंगे कितनी भूमि है जी, उसे वो चिन्हित कर रहे हैं फिलहाल। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे मकान भी दिख रहा है कि मकान भी बन रहे हैं, तो कितने लोगों को कम से कम कितने होंगे? मकान तो ये दो चार लोगों के होंगे जो इस पर हैं। तो आज कौन कौन आए हैं जांच कमेटी में? आज जो है यहाँ पे जो एसडीएम साहब आए जी, तहसीलदार महोदय जी, तहसीलदार जी, डीपीआरओ महोदय। तो ये शिकायत जो की थी आपने ही की थी या किसी के थ्रू की थी? नहीं नहीं, ये तो ग्रामीणों ने की थी, बस्ती वालों ने, जिन्हें दिक्कत थी। अच्छा, धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।